नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज, मैं स्वाति। अगली खबर है उमरिया से, जहां जिले के चंदिया में ट्रेनों के ठहराव के लिए क्षेत्रीय संघर्ष समिति व ग्रामीणों ने मंगलवार को कटनी बिलासपुर रेल खंड पर रेलवे ट्रैक पर कब्जा कर लिया। हजारों लोग रेलवे ट्रैक पर पहुंचे और लगभग 1.5 किलोमीटर तक जम गए। दोपहर 12 बजे शुरू हुआ यह आंदोलन रात करीब 9:30 बजे तक चला। कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव व रेलवे के मंडल वाणिज्य प्रबंधक विकास कुमार कश्यप ने आंदोलनकारियों से बात की। इसके बाद मंडल वाणिज्य प्रबंधक ने आंदोलनकारियों को लिखित आश्वासन दिया कि 5 ट्रेनों के ठहराव के लिए बिलासपुर जोन से रेलवे बोर्ड को प्रस्ताव भेजा गया है। जल्द ही इन ट्रेनों का चंदिया रेलवे स्टेशन में ठहराव होगा। क्षेत्रीय संघर्ष समिति के बैनर तले 5 सितंबर से चल रहे क्रमिक अनशन के बाद 20 सितंबर को चंदिया की जनता ने रेलवे स्टेशन पहुंचकर रेलवे ट्रैक पर कब्जा कर लिया। आंदोलन को कुचलने के लिए रेलवे ने भारी पुलिस बल लगाया था, लेकिन आंदोलनकारियों की रणनीति के सामने रेलवे की सारी सुरक्षा फैल हो गई। रेलवे स्टेशन के सामने पहुंचने के बाद आंदोलनकारियों का जत्था गेट पर लगभग 1 घंटे खड़ा रहा था। क्षेत्रीय संघर्ष समिति के अध्यक्ष मिथिलेश प्यासी ने रेलवे स्टेशन के सामने पहुंचने के बाद भी अधिकारियों को आधा घंटे का समय और दिया, लेकिन जब कोई अधिकारी बात करने के लिए नहीं पहुंचा और कोई निर्णय नहीं हो पाया तो उन्होंने जिले के दूर गांव से आई जनता को रेलवे ट्रैक की तरफ कूच करने का आह्वान कर दिया। मिथिलेश प्यासी के कहते ही लगभग 15,000 लोग रेलवे ट्रैक पर पहुंच गए और चंदिया रेलवे स्टेशन पर लगभग 1.5 किलोमीटर तक रेलवे ट्रैक पर जम गए। दोपहर 12 बजे प्रारंभ हुआ यह आंदोलन दोपहर बाद तक जारी रहा, लेकिन रेलवे के अधिकारी किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पाए। सुबह जब आरपीएफ के अधिकारी चंदिया रेलवे स्टेशन पहुंचे, तब वे यह देखकर खुश हो गए कि क्रमिक अनशन वाले मंच के सामने बमुश्किल 10 से 20 लोग ही मौजूद थे। उन्होंने तब सोचा कि जनता यहां आंदोलन में नहीं आएगी, लेकिन असल में गढ़ी चौक से एक बड़ा जुलूस शुरू हुआ जो गांधी चौक होते हुए रेलवे स्टेशन तक पहुंच गया। रेलवे स्टेशन पहुंचने के बाद जुलूस रेलवे गेट के पास बनाए गए बैरिकेड के दूसरी तरफ थम गया। इस जुलूस में शामिल 15,000 लोग की भीड़ रेलवे स्टेशन से लेकर गांधी चौक तक आधे घंटे तक खड़े होकर रेलवे अधिकारियों के किसी निर्णय का इंतजार कर रही थी। इस दौरान मंच पर मौजूद संघर्ष समिति के अध्यक्ष मिथिलेश प्यासी लगातार अधिकारियों का आह्वान कर रहे थे कि वे आकर अपना निर्णय सुनाएं और इस आंदोलन को समाप्त करें, लेकिन जब कोई अधिकारी नहीं आया तो बेसब्र जनता सारी सुरक्षा व्यवस्था को ध्वस्त करते हुए रेलवे ट्रैक पर पहुंच गई और यहीं जम गई। सुबह से आंदोलनकारियों के साथ अनुशासन को लेकर लगातार चर्चा कर रहे मिथिलेश प्यासी गढ़ी चौक से स्टेशन पहुंचने के बाद मंच पर अचानक बेहोश हो गए। हालांकि उन्हें कुछ देर बाद होश आ गया और वे फिर पूरे जोश के साथ आंदोलन का नेतृत्व करने लगे। मंच पर मौजूद मिथिलेश प्यासी ने हर क्षण सभी से यही आह्वान किया कि आंदोलन को हम शांतिपूर्वक करेंगे और गांधीवादी सिद्धांतों पर चलकर भी हमें अपनी मांग मनवानी है। जिले के चंदिया रेलवे स्टेशन में उन सभी ट्रेनों का स्टॉपेज फिर से देने की मांग लगातार की जा रही है जिनका स्टॉपेज पहले यहां पर था। कोरोना काल में जब ट्रेनों को बंद किया गया तो चंदिया रेलवे स्टेशन भी इससे प्रभावित हुआ, लेकिन जब दोबारा ट्रेनों का संचालन शुरू किया गया तो उन सभी ट्रेनों का स्टॉपेज चंदिया रेलवे स्टेशन में बंद कर दिया गया जिनका स्टॉपेज पहले यहां हुआ करता था। नर्मदा एक्सप्रेस का भी स्टॉपेज चंदिया में नहीं दिया गया। इस आंदोलन के बीच में नर्मदा एक्सप्रेस का स्टॉपेज शुरू किया गया, लेकिन दूसरे तीसरे दिन इस ट्रेन को फिर से बंद कर दिया गया। 5 सितंबर से आंदोलन में बैठे संघर्ष समिति के लोगों ने कई बार रेलवे के अधिकारियों का आह्वान किया कि वे आकर उनकी मांगों पर ध्यान दें और उन्हें पूरा करें, लेकिन रेलवे के अधिकारी ना जाने क्यों अड़े हुए थे और उन्होंने आंदोलनकारियों से कोई बात नहीं की। उमरिया जिले के चंदिया रेलवे स्टेशन में ये आंदोलन चल रहा है। यहाँ के आसपास के 80 गांव के ग्रामीणों ने रेलवे ट्रैक को अपने कब्जे में ले लिया है।